लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ये सरकार का तमिलनाडु का वो अफसर ये नहीं बता पाया कि रक्त भंडार की जो चाबी खोई उसकी रिपोर्ट उन्होंने क्यों दबा दी। आज उस रिमोट कंट्रोल को मैं चेतावनी देने आई हूं कि जांच रिपोर्ट कमल का फूल खिलते ही सामने आ जाएगा और जिसने भी जगन्नाथ जी के लिए इस प्रकार का दुस्साहस किया अगर गड़बड़ मिली तो मोदी छोड़ेगा नहीं। आज ये गारंटी देने आए हैं। आज मोदी जी की गारंटी है आप कमल का बटन दबाओ आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाओ। आज मोदी जी की गारंटी है आप कमल का बटन दबाओ आने वाले 5 साल प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पाओ। आज मोदी जी की गारंटी लेकर आए हूँ रक्त भंडार की चाबी कहाँ गई रिपोर्ट किसने दबाई इन चोरों को भी पर्दाफाश मोदी की सरकार करेगी। आज जनता से कहने आई हूँ ओडिशा लोगों चाहती मोदी जी गारंटी। लेकिन विभुदा और संपत भाई दोनों की ये चिंता है कि दीदी ठेकेदार तमिलनाडु के रिमोट कंट्रोल तमिलनाडु में आज जनता जनार्दन ये कह रही है कि नवीन बाबू को बोलने की भी आजादी नहीं मिलने की भी आजादी नहीं। अरे बीजेडी का नेतृत्व कैद में है ओडिशा के भविष्य को कैद से छुड़ाओ 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आए आज धरती पुत्रों का आह्वान करती हूँ। वर्षों वर्ष रिमोट कंट्रोल से प्रदेश को लूटा गया आज प्रदेश की जनता कह रही है ओडिशा मुख्यमंत्री उड़िया हेबे। आज आप सभी नागरिकों से आह्वान करने आए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी विकास का संकल्प लिए आपके मध्य आते हैं और दूसरी ओर बीजेडी के नेता 32,000 करोड़ का चिटफंड का घोटाला कर जाते हैं। आज आपके मध्य नरेंद्र मोदी विकास का संकल्प लेकर आते हैं और बीजेडी के नेता 60,000 करोड़ का खनन का घोटाला कर घोटाले बाजों को टिकट देते हैं। आज मेरी आवाज अगर रिमोट कंट्रोल से चल रहे नवीन बाबू तक पहुंचे तो कहना चाहती हूँ नवीन बाबू कितने दिन सही वो कितने दिन सही वो। इसलिए आज आपसे कहने देना आई हूँ कि आप नहीं सहना है 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है और कमल का बटन दबाना है डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी की विकास की योजना हर घर तक ले जाना है। आज राम जी का नाम लेते लेते एक विशेष विषय आपके सम्मुख रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुभद्रा योजना के बारे में संपत ने भी यहाँ पर विश्वास दिलाया विभुदा ने भी विश्वास दिलाया। आज बहनों से कहने आई हूँ मोदी की गारंटी है कमल का बटन दबाओ और बहने 50,000 रुपये का वाउचर मोदी की सरकार से पाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूँ। विभुदा यहाँ देखकर ऐसा लगता है लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है ये जनता जनार्दन ये पब्लिक है सब जानती है रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए मोदी की सरकार चाहिए अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है। तो पुनः कहती हूँ राशन दिया मोदी ने तो वोट किसको मिलेगा किसान सम्मान दिया मोदी ने तो वोट किसको मिलेगा और विकसित भारत बनाने के लिए वोट किसको मिलेगा मोदी को ना। और रिमोट कंट्रोल हटाना है तमिलनाडु वाला तो वोट किसको मिलेगा। आज आपके मध्य में ये विश्वास दिलाते हुए
कि न सिर्फ धान के लिए विभुदा ने जो यहाँ पर उल्लेख किया, न सिर्फ संपदा ने जो हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का आप सबके मध्य में संकल्प किया, बल्कि सुभद्रा योजना के माध्यम से भी हर बहन 50,000 रुपया मोदी सरकार से पाएगी। अगर 1 जून को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी। आज पुनः राम भक्तों से कहती हूँ, 1 तारीख को लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, अधर्मियों की लंका में आग लगाओ, पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ और तमिलनाडु वाले रिमोट कंट्रोल को ओडिशा से भगाओ। आज ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत।